स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर क्लास। आई होप आपको पिछले सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। हम अपने चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं। क्या था, हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब फोर्थ प्रोसेस है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? सिंचाई करना। ठीक है, हम सिंचाई क्यों करते हैं? जिससे हमारे जो क्रॉप है वो आगे बढ़ सके। ठीक है, तो सबसे पहला क्या, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। हम वाटर देते हैं किसमें, हमारी फील्ड में, तो वो क्या हो जाता है, प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। अब वो एब्जॉर्ब क्यों करते हैं? न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड, क्योंकि जो हमारी सॉइल के अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, उन्हें एब्जॉर्ब करके आगे पूरे प्लांट तक पहुंचाना होता है। ठीक है, और जब हम उसके अंदर क्या नहीं करेंगे, जब तक कम पानी नहीं डालेंगे, जब तक उसमें जर्मिनेशन ऑफ सीड्स नहीं होगा। तो देखो क्या हो गया, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, सेकेंड है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, थर्ड है न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड, और फिर हमारा वो जो वाटर है जो न्यूट्रिएंट्स के साथ है, और वो कहाँ होता है, ट्रांसपोर्ट होता है पूरे प्लांट में। ठीक है, अभी देखो कहाँ कहाँ से इरिगेशन होती है, सोर्स ऑफ इरिगेशन, जैसे वेल, कैनाल, लेक, ट्यूबवेल, रिवर, डैम। अब डैम के अंदर देखो, अब जो है डैम में क्या होता है कि भाई जो हमारा रेन वाटर है वो पूरा स्टोर हो जाता है। ठीक है, स्टोर होने के बाद फिर उसको बाद में हम इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो ट्रेडिशनल मेथड कि पहले के टाइम में कैसे कैसे मेथड यूज होते थे किसके लिए, इरिगेशन के लिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है वाटर अवेलेबल इन वेल इज लिफ्टेड अप। मोस्टली जो होता था वाटर वो कहाँ पर रहता था, वेल के अंदर रहता था। ठीक है, और वहीं से ही लिफ्ट किया जाता था, वहीं से ही उसको निकाला जाता था और अपने फील्ड में यूज किया जाता था, या फिर कैटल और ह्यूमन लेबर चीपर बट लेस एफिशिएंट। क्या होता था, बहुत ज्यादा लेबर यूज होती थी। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा जो वाटर है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होता था, उतनी एफिशिएंसी नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब जो पीरियड है उसके अंदर बहुत ज्यादा वाटर को स्टोर भी किया गया है। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, पहले लेस एफिशिएंसी थी। अभी देखो कि क्या क्या वेस्ट थे ट्रेडिशनल मेथड में कि जिससे हम इरिगेशन करते थे। फर्स्ट थी मोट, मतलब पुली सिस्टम। इसके अंदर क्या होता था, कुएं से रस्सी के थ्रू पानी निकाला जाता था और उसको बकेट में लेके और पूरे फील्ड पर डाला जाता था। ठीक है, इससे क्या होता था, ऐसी जगह पर भी क्या था, पानी चला जाता था जहां पर क्रॉप नहीं होती थी, या ऐसी कुछ जगह पार्ट रह जाता था जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता था। अगला है चेन पंप। अभी देखो ये जो चेन पंप है, इसके अंदर क्या, चेन का यूज होता था और क्या होती थी, बकेट्स या डिस्क टाइप की लगी होती थी जिसके अंदर क्या होता था, पानी स्टोर होता था वेल से और फिर वो ले जाया जाता था किस कहां पर, फील्ड में। ठीक है, उसमें होता था चेन पंप। उसके बाद है ढेकली। ढेकली के अंदर क्या होता था, रोप का यूज कर बकेट कनेक्ट करके उसको इस तरह से रोप में ले जाकर फील्ड में यूज किया जाता था। और इसके अंदर क्या होते हैं, ये सारे जितने भी मेथड है इनके अंदर या तो किसी कैटल का यूज होता था, ठीक है, या तो बुल यूज करते थे, या फिर ह्यूमन लेबर बहुत ज्यादा थी। उसके बाद है राहत। राहत के अंदर क्या होता था, एक बड़ा सारा व्हील लगा हुआ होता था, उसके अंदर छोटे छोटे चैम्बर बने हुए थे बकेट के। ठीक है, और जैसे जैसे उसके अंदर पानी आता और वो राउंड राउंड घूमता था और वो बकेट आगे फेंकता रहता था जिससे हमारी फील्ड में पानी जाता था। तो ये थे आपके ट्रेडिशनल मेथड्स। देखो पहले हमने क्या पढ़ा, ट्रेडिशनल मेथड, और अब हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। पहले के जमाने में जो भी मेथड यूज होते थे अब वो नहीं होते। अब देखो कि कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, एक होता है स्प्रिंकल सिस्टम एंड दिस अदर इज ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक परपेंडिकुलरली फील्ड के अंदर पाइप लगा दिया जाता है, उसके ऊपर नोजल होती है और क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू स्विच ऑन किया तो वो क्या हो जाता है, जो पानी है वो इस तरह से पूरे फील्ड के अंदर गिरने लग जाता है। ठीक है, तो क्या होता है स्प्रिंकल सिस्टम में, परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं, रोटेटिंग नोजल्स होती है ऑन द टॉप, टॉप में क्या होती है, नोजल होती है जिसमें से पानी बाहर आता है। थर्ड है रेगुलर इंटरवल, क्या होता है, एक रेगुलर इंटरवल पर जाता है, अगर हमने बंद कर दिया वो उसी टाइम के लिए ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद है स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप, किसके ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है, क्रॉप के ऊपर, पूरे फील्ड के अंदर इस तरह से परपेंडिकुलरली पाइप लगा दिए जाते हैं, उनके ऊपर नोजल होती है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर हमने जैसे स्विच ऑन किया तो पाइप उसमें से सप्लाई होने लग जाता है वाटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम।
ड्रिप सिस्टम के अंदर क्या होता है, पतली पतली जो पाइप्स होती है, थिन पाइप्स होती है, वो सीधा जो फील्ड है उसके अंदर डाल दी जाती है और उनके थ्रू डायरेक्ट जो उनकी रूट्स है उसके अंदर क्या जाता है, पानी जाता है। अभी देखो क्या है, वाटरफॉल डायरेक्टली नियर द रूट्स, मतलब रूट्स के पास डायरेक्टली नियर वाटर जाता है, ठीक है। थर्ड क्या है, वाटर इज नॉट वेस्टेड। अब ये देखो भाई, इसने ये बात क्यों कही कि वाटर इज नॉट वेस्टेड, कि पानी वेस्ट नहीं होता ड्रिप सिस्टम में बजाय स्प्रिंकलर सिस्टम के। ऐसा क्यों, जो स्प्रिंकल सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है कि अब जैसे जो पानी है ऊपर परपेंडिकुलर पाइप में है और सारी जगह पे जाएगा, तो उसके स्टेम पे भी जाएगा, लीफ पे भी जाएगा, बट वहां कोई जरूरत नहीं है पानी की, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो पानी का यूज है वो डायरेक्टली नीचे रूट्स से ट्रांसपोर्ट होता हुआ लीफ तक जाना चाहिए। तो इसके अंदर क्या होता है, इस वजह से पानी क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। बट ड्रिप सिस्टम के अंदर क्या जा रहा है, ऊपर तो पानी जा नहीं रहा, सीधा उसकी रूट्स के पास पानी जा रहा है, तो इससे वाटर वेस्ट नहीं होता। तो एज कंपेयर टू स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, दोनों में से अगर हम बताएं कि बेटर कौन सा है, तो कौन सा सिस्टम बेटर है, ड्रिप सिस्टम। इसके अंदर वाटर का वेस्टेज कम होता है। ओके बच्चों, आप ये अच्छे से पढ़ लेना और आगे के टॉपिक्स हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।